जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, ICHR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की तरफ से भर्ती निकाली गई है। टोटल 35 पद हैं दोस्तों। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, कौन कौन सी पोस्ट यहां पास निकाली गई हैं और एज क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन रहता है वो एज क्राइटेरिया को लेकर रहता है। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा या आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहां क्लिक करके मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं ICHR यानी भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की तरफ से भर्ती निकाली गई है। टोटल यहाँ जो पोस्ट हैं दोस्तों 35 पोस्ट निकाली गई हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि बहुत कम पोस्ट हैं इसलिए हमें इसके लिए आवेदन नहीं करना है। यही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तों, आपको इसके लिए आवेदन जरूर करना है यदि आप इलिजिबल हैं तो, ठीक है। इसके बाद देखिए 14 जनवरी 2023 से लेकर 13 फरवरी 2023 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया के बारे में अगर बात करें तो 18 साल से लेकर 30 साल तक के स्टूडेंट यहां आवेदन कर पाएंगे और जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2023 से की जाएगी, ओके। आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी दोस्तों, यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो 5 साल की और OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल की एज में छूट मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं फीस कितनी आपकी लगेगी। तो देखिए यदि आप जनरल OBC या EWS कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 500 रुपए लगेगी और यदि आप SC ST कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस 250 रुपए लगेगी और यदि आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपकी फीस 1 रुपए नहीं लगेगी, आप निःशुल्क इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज पोस्ट के बारे में, आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की पहली पोस्ट है, टोटल 2 पोस्ट निकाली गई है इसके लिए। इसके लिए डिग्री मांगी गई है लाइब्रेरी साइंस में और 2 साल का अनुभव आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दूसरी जो पोस्ट निकाली गई है कॉपी होल्डर की 1 पोस्ट है। ग्रेजुएशन यदि आपने कंप्लीट कर लिया है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और 3 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए कॉपी होल्डर में, ओके। इसके बाद तीसरी जो पोस्ट निकाली गई है दोस्तों असिस्टेंट की पोस्ट निकाली गई है और सबसे अच्छी पोस्ट है। देखिए ग्रेजुएशन होना चाहिए और 5 साल का अनुभव आपके पास यहाँ होना बहुत जरूरी है, ओके। तो आप असिस्टेंट की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है, 1 पोस्ट निकाली गई है और ग्रेजुएशन यदि आपने कंप्लीट कर लिया है हिंदी या इंग्लिश में तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों 12वीं पास जो है कैंडिडेट उनके लिए भर्ती निकाली गई है। देखिए लोअर डिवीजन क्लर्क की पहली पोस्ट है, 8 पोस्ट निकाली गई है लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, क्लर्क की ही पोस्ट है, है ना। यदि आप 12वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं और साथ में टाइपिंग यहां पास मांगी गई है। अब देखिए टाइपिंग यदि आपसे इंग्लिश में टाइपिंग आती है, यदि आपसे इंग्लिश में टाइपिंग आती है तो 35 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। यदि आपसे हिंदी में टाइपिंग आती है, हिंदी में आती है टाइपिंग तो 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड यहां होनी चाहिए, ओके। तो 12वीं पास में और साथ में आपसे टाइपिंग आती है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछेंगे कि क्या दोनों लैंग्वेज में टाइपिंग आना चाहिए, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप किसी एक लैंग्वेज में टाइपिंग दे सकते हैं जिस भी लैंग्वेज में आपसे आती है। यदि आपसे इंग्लिश में आती है तो इंग्लिश में दे दीजिए, यदि हिंदी में आती है तो हिंदी में आप दे सकते हैं। इसके बाद देखिए हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट है, टोटल 1 पोस्ट है, इसके लिए 12वीं पास है और टाइपिंग आपसे मांगी गई है, लेकिन यहाँ पास हिंदी टाइपिस्ट के लिए निकाली गई है तो हिंदी में आपसे टाइपिंग आनी चाहिए और हिंदी में आपसे टाइपिंग कितनी आनी चाहिए, 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, है
है ना, यदि आपसे हिंदी में टाइपिंग आती है तो आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो यदि आप 12वीं पास हैं और टाइपिंग आती है आपसे, तो हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद लिफ्ट ऑपरेटर की पोस्ट निकाली गई है, एक पोस्ट है, 12वीं पास है और आपसे आप 12वीं पास हैं और साथ में आपके पास सर्टिफिकेट है लिफ्ट ऑपरेटर में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट निकाली गई है, एक ही पोस्ट है, ज्यादा पोस्ट नहीं है, 12वीं पास हैं आप और ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, तो आप आवेदन कर सकते हैं और 2 साल का अनुभव आपके पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी आप स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद स्कूटर ड्राइवर की पोस्ट निकाली गई है, एक पोस्ट है और यही क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 12वीं पास हैं आप तो आप आवेदन कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, ठीक है, तो आप स्कूटर ड्राइवर की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो स्टूडेंट 10वीं पास है उनके लिए भी भर्ती निकाली गई है और सबसे अच्छी भर्ती देखिए एमटीएस की पोस्ट है, ऑफिस अटेंडेंट की, टोटल 11 पोस्ट हैं और 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। एमटीएस वाच और वार्ड अटेंडेंट की पोस्ट है, टोटल 2 पोस्ट निकाली गई हैं और 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, तो देखिए सबसे अच्छा मौका है आपके लिए। फिर इसके बाद सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट है, टोटल 1 पोस्ट निकाली गई है और 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद सफाई कर्मचारी की पोस्ट निकाली गई है, 3 पोस्ट हैं और 10वीं पास हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आपको वेतन कितना दिया जाएगा, 18,000 रुपए से लेकर 56,900 रुपए, जो स्टूडेंट 10वीं पास हैं और जो 12वीं पास हैं उनको यहाँ पास 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए पर मंथ वेतन दिया जाएगा और जो ग्रेजुएट हैं तो उनको थोड़ा यहाँ ज्यादा हाई पेमेंट किया जाएगा, है ना। तो आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, उसमें पोस्ट वाइज डिटेल से सैलरी देखने के लिए मिल जाएगी आपको, ओके। और यदि इससे रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन है आप कमेंट जरूर करिएगा और मेरा टेलीग्राम ग्रुप आप एक बार जरूर विजिट करिएगा, ओके। इसके बाद चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, मतलब आपका पहले पेपर लिया जाएगा, इसके बाद जब आप पेपर में क्वालिफाई कर लेंगे इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, मतलब कि जिस भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसका आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। मतलब कि यदि मान लीजिए आप यहाँ पास स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपसे कार चलवाई जाएगी, है ना, यही आपका स्किल टेस्ट होता है। इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, और लास्ट में मेडिकल आपका होगा। तो इतने स्टेज से गुजरने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और फीस के बारे में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये रही थोड़ी सी जानकारी और यदि इससे रिलेटेड कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।